हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम, सभी काम निपटा चुकी हूँ, स्नान हमारा हो चुका है। इसके बाद मैं लग गई हूँ, थोड़ा सा घड़े के पानी ख़त्म हो गए थे उसे भी भर लिया। अब मैं थोड़ा सा गर्म पानी मैंने कर लिया है और पहले पानी ही पीऊँगी, इसके बाद नाश्ते की तैयारी करूँगी। नाश्ते में जा रही हूँ बनाने में पोहा, तो दूध चाय और पोहा ही बनाएंगे। तो दूध सबसे पहले गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं। तो अभी मैंने चूरे को अच्छे से धो दिया, उसमें मैं मिला दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी। मिलाने के बाद इसे रख देते हैं साइड में 10-15 मिनट के लिए, तब तक मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ। तब तक इन सारी चीज़ों को काट लेते हैं। तो पोहा बनाने जा रहे हैं और पोहा में थोड़ा सा टमाटर भी डालेंगे, और नींबू है नहीं तो नींबू के जगह पर टमाटर डालेंगे, और हरी मिर्च मैंने रख लिया है, 2 प्याज रख लिया है, और मैंने अदरक भी ले लिया है। सभी को काट लेते हैं। इधर मेरा दूध भी उबल गया है, उसे क्या करेंगे, सबसे पहले आधी मैं ग्लास में रखूंगी और आधी की चाय बनाऊंगी। मूंगफली दाने को अच्छे से मैं चुन बीच कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा मूंगफली काला भी होता है, उसे चुनकर हटा दूंगी। और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई में मैंने जीरा का फ़ोरन दे दूंगी, और इसके बाद मैंने अदरक का फ़ोरन दे दिया है, मिर्च का दे दिया है, और इससे थोड़ा सा मैं तड़कने दूँगी। तड़कने के बाद यहाँ पर मैंने करी पत्ता भी डाल दिया है और इसे चला देंगे। अब मैं यहाँ पर मूँगफली दाने को डाल कर और अच्छे से इसे फ्राई करूंगी, थोड़ा देर सिर्फ भूनेंगे। साथ में मैं डाल दूंगी प्याज भी, क्योंकि प्याज और मूंगफली दोनों ही साथ में भून जाते हैं अच्छे से, क्योंकि दोनों को भूनना है। और इधर मेरा चाय खोल रहा है। दोनों मैंने भून दिया है और इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी अच्छे से। मेरा जो प्याज है, मूंगफली दाने अच्छे से फ्राई हो गए थे। इसके बाद मैं नमक डाल दूंगी, और थोड़ा सा नमक डालें क्योंकि मैंने चूरे में भी मिलाया था नमक। और इसके बाद मैंने हल्दी थोड़ा सा मिलाकर थोड़ा सा हल्का भुना है। इसके बाद मैं इस चूरे को इसमें डाल दूंगी। हम लोग पोहा को चूरा बोलते हैं, और जब हमारा तैयार हो जाता है तो हम लोग पोहा बोलते हैं। लास्ट में डाल दूंगी धनिया पत्ता। इसके बाद मेरा चाय भी हो ही गया है, तो उसे भी मैं छान लूंगी साथ में। पोहा और चाय दोनों ही साथ में चलेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं सभी को बर्तनों में और चाय भी छान लेते हैं।
नाश्ता हो गई है सबकी, इसके बाद लग गई हूँ पेंट में लगूँगी। तो ये जो नया वाला पेंट लेकर आए हैं उजला ही कलर का है, लेकिन आज ना पूरा कंप्लीट कर देंगे दूसरा रूम भी। तो आज जो मेरा घर है अच्छे से आपको दिखाएंगे, और अच्छे से मतलब आज मेरा जो घर का पेंट है पूरा हो जाएगा। पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा दूसरा रूम भी मेरा पूरा हो जाएगा। इस रूम में इधर वाला दीवार हो चुका है, और इधर बचा हुआ इस खिड़की तरफ इधर करेंगे, और एक इधर जो कलर हम लोग करेंगे अलग, देखते हैं अब कौन सा कलर अच्छा लगेगा। मारेंगे बहुत, इसका परीक्षा चल रहा है, 11 बजे से जाएगा, आराम से जाएगा। तो अभी मैं अभी 10 बज चुका है, और अभी बर्तन रखा हुआ है सुबह वाली चाय नाश्ते का, वो भी मैं देते हैं। इसके बाद खाने की तैयारी करेंगे दोपहर का, और तब तक ये क्या करेंगे वाइट वाला एक तरफ मार देंगे। एक रूम का तो मैंने पूरा अच्छे से सब चीज़ हो गया है, सब चौकी वगैरह सब उसमें रखा गया है, बेड भी मैंने रख दिया है, लेकिन अभी मैंने उसे अच्छे से सेट नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा साफ सफाई करना है बाकी है सभी सामानों को, और इसलिए अभी सेट नहीं किया है, क्योंकि सोच रही हूँ कि सब घर पहले पेंट कर लूँ, इसके बाद सभी को सेट करूँ, व्यवस्थित करूँ और अच्छे से डेकोरेट करूँ अपने घर को। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सब पहले, जब तक कि मेरा पेंट पूरा घर नहीं हो जाता तब तक मैं अपने घर को डेकोरेट नहीं करूँगी। इसी तरह है अभी पड़ा हुआ एक रूम तो हो गया, दूसरा रूम आज कंप्लीट कर लेना है ना जी, आज का आज भी इनकी छुट्टी है तो आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का खाना की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कर रहे हैं हस्बैंड जी पेंट, उनकी छुट्टी है तो घर में पेंट कर ले रहे हैं, और साथ में मैं खाने भी तैयारी कर लेंगे। और पेंट करने के बाद एक दीवाल आकर बैठ गया है और अपना मोबाइल चलाने में लगे हुए हैं, और मैं अभी खाना बना लूँगी। तो अभी पेंट देखिए कौन सा कलर इस रूम में देते हैं, कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा लेकर आते हैं हस्बैंड जी। तो अभी मैं खाने में क्या बना रही हूँ, ये प्याज है, मैंने पका लिया था छिलके उतारने के बाद अच्छे से पानी में, और इसकी चटनी बनाएंगे, प्याज की चटनी और आलू की भुजिया हो जाएगी, और चने की दाल और चावल, यही आज की खाना दोपहर का होगा हमारा। तो चलिए अभी छौंक लगा दूँगी फटाफट, और इसके बाद मेरा चावल भी चढ़ा हुआ है, भुजिया चढ़ा दूंगी, और जब भी प्याज की चटनी बनाएं तो उसमें लहसुन और हरी मिर्च मैंने डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और मैंने चटनी पीस दिया है। हर तरीके से चटनी सभी खाते हैं, प्याज वाली चटनी आज मैंने बनाया है, अच्छा लगता है मुझे, तो कभी कभी बना कर मैं खा लेती हूँ। तो ये है प्याज की चटनी, आप इसमें टमाटर भी उसे पका कर डाल सकते थे, इसमें अच्छा लगता है। और यहाँ पर भुजिया भी मेरी तैयार लगभग हो चुकी है, सीधे खाना पीना तैयार होने के बाद तुरंत ही किचन की सफाई कर लूँगी, क्योंकि फिर इधर आने की ज़रूरत नहीं होगी, उधर ही मुझे बहुत सारे काम है जो कि निपटाने हैं, तो इसलिए साथ में मैं किचन को सफाई कर दूँगी। और दोपहर के खाने का तैयार तो हो चुका है, जब ये लोग खाएँगे तभी इन लोगों को मैं दे दूँगी खाना। तो हर्ष को खाना भी दे देते हैं, तो चावल हो गया और दाल हो गया चना का, और ये है चटनी प्याज वाली, इसमें टमाटर डालिए तो और भी अच्छा लगता है, और फिर भुजिया हो गया। आज का खाना यही सिंपल सा है। तो चलिए अब मैं सारे खाने को खिलाने पिलाने के बाद सीधे लग गई हूँ अपना काम पर। तो सारा दीवार तो मेरा हो चुका है, सिर्फ यही दीवार बचा हुआ है पेंट करना, तो इसे मैं पेंट करूँगी, क्योंकि इनको इनको क्या है ना, इनकी आदत नहीं है, हाथ दुखने लगता है, और मैं होके घर का काम ये छोटे बड़े सही काम घर का निपटाना निपटा लेती हूँ, इनके हाथ से उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि हाथ दुखने लगता है। तो इसलिए
ज़्यादातर मैं ही कोशिश करती हूँ कि घर का काम पूरा करने की। और देखिए मेरा आशियाना, मेरा सपनों का महल खड़ा हो गया है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये पेंट मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। और ये हरा कलर है, हरा कलर ही एक दीवार मैंने दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए मेरा आज दो रूम कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या ये जो थोड़ा सा गिरता है, थोड़ा मोड़ा पेंट करती हूँ तो उसी को सफाई कर दे रही हूँ अच्छे से घसीट कर, क्योंकि थोड़ा सा देरी हो जाएगी ना तो फिर छूटते नहीं है और पक्का जो है ज़मीन ख़राब हो जाता है, ख़राब लगता है, उजला उजला दिखता है। इसके बाद आपको रात में मिल रही हूँ, दही मंगाई है, घी मंगाई है, ख़त्म हो गया था तो जा रहे हैं। रात के टाइम में क्या है ना कि पराठा ही बना देते हैं आलू का, और दही साथ में रहेगा। तो चलिए अभी पराठा फटाफट बनाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, गर्मा गर्म खाते हैं, इसके बाद सोते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि दिन भर बहुत सारे काम इधर हो जा रहे हैं और ऑटी कम, और थोड़ा थोड़ा करो तो फिर आसानी से हो जाता है। और ये जो मैंने चोखा लगाया है आलू का, जो कि अच्छे से मैंने भून दिया है इस बार, इस तरह से मैंने कच्चा में नहीं बनाया है, अच्छे से इसे प्याज डालकर, लहसुन डालकर, अदरक डालकर ये सारी चीज़ें डाल दो ना, और अच्छे से फ्राई कर दो आलू को, इसके बाद पराठा बनाओ उसका, तो और भी स्वाद हो जाता है पराठे का। तो चलिए गर्मा गर्म ही सबको देते जाएंगे, बनाते जाएंगे, खिलाते जाएंगे। बज गए हैं 8 और 8 बजे खाना हम लोगों का हो जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।